पीलीभीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलआईसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अडानी को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SBI और LIC के अडानी के शेयर खरीदने के मामले में जाँच की मांग की है। दरअसल गौतम अडानी के गिरते हुए शेयरों की वजह से आज पीलीभीत में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और जिला अध्यक्ष ने भारी संख्या में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चंबा के नेतृत्व में कांग्रेस शहर कोतवाली क्षेत्र LIC कार्यालय के बाहर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा व केंद्र सरकार पर हमलावर होते कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात के दो लोग देश बेच रहे हैं और दो लोग देश को खरीद रहे हैं। इस बीच हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने चिट्ठा खोल कर रख दिया है। हरप्रीत सिंह ने कहा, एक तरफ जहां म्यूचुअल फंड के सेक्टर में काम करने वाली तमाम कंपनियों ने शेयर खरीदना बंद कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ LIC और SBI ने अडानी के शेयर क्यों खरीदे। इसको लेकर LIC के निवेशकों में बड़ी उथल पुथल मच रही है। क्या निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा या नहीं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन लोगों की आवाज बनकर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। धरना किस बात को लेकर रखा गया है? जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने बताया, ये धरना जो है, जो एक उद्योगपति जिसको सो कॉल्ड हम प्रधानमंत्री का मित्र कहते हैं, वो देश के साथ आज जो उसके शेयर गिर रहे हैं, उसने जो देश के साथ जनता के साथ जो रुपया उसका दबा के अपने को वो शहंशाह समझ रहा था, वो उजागर हो चुका है। और वो आज की तारीख में लगातार उस धोखाधड़ी के रूप में प्रतिदिन उसका कहीं ना कहीं खुलासा हो रहा है। आज हम उसी का विरोध करने के लिए, जो निवेशकों का पैसा SBI के अंदर जमा है उस पैसे को बचाने के लिए यहाँ पे धरने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा धरना SBI के सामने भी चल रहा है और जगहों पर, और हमारे प्रमुख नेता राहुल गांधी जी मथुरा के अंदर LIC के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरे इस समय हिंदुस्तान के अंदर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आगे जैसे जैसे अगर जनता के साथ धोखा करा जाएगा, कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज बनकर उठती रही है, उस आवाज को हम उठाते रहेंगे और जनता के लिए कांग्रेस सदैव संघर्ष करती है और आगे भी संघर्ष करती रहेगी। ये हमारा वादा है और कांग्रेस की यही पहचान है। देश के अंदर एक ही बात चल रही है, जो राहुल जी कह के चलते थे कि दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं, तो मोदी जी की सरकार में LIC के सामने हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड जो काम करता है, चाहे ICICI हो, चाहे SDFC हो, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने किसी ने भी अपना पैसा अडानी के शेयर खरीदने में नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो शेयर है इसमें कुछ तो गलत होगा जो दूसरी प्राइवेट ने नहीं लगाया। मोदी जी ने LIC का पैसा जो है अडानी के शेयर खरीदने में लगा दिया, और LIC जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी का विश्वास है जनता का, तो LIC पे है, और LIC का पैसा लगा के इन्होंने ये साबित कर दिया कि लोगों का जो भरोसा था वो मोदी जी पे भी और LIC पे भी, उसे इन्होंने तोड़ने का काम किया। निवेशकों का पैसा जो है किसी हाल में वापस नहीं आ सकता, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं कि आप जो है निवेशकों का पैसा पूरा पूरा वापस करने का काम करें, जो स्टेट बैंक का पैसा गया वो वापस करने का काम करें, और जो भी पैसा इन्होंने लगाया है उसे वापस करने का काम करें। इस गंभीर मुद्दे पे संसद के अंदर चर्चा करें। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? और एक जहां तो सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो है कमेटी बनाई है चीफ जस्टिस के, वो इसकी जांच करें। जहां आप संसदीय समिति में जो है एक कमेटी बनाई है वो इसकी जांच करें। आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? देश के अंदर इतना बड़ा जो है संयोजित ढंग से लूट हो गई है, जो 100 रुपए की चीज 40 रुपए की चीज को 100 रुपए का कहकर बेचा गया है, और SEBI उस पर चुप है, ED उस पर चुप है, CBI चुप है, इनकम टैक्स चुप है, कोई भी एजेंसी जो है क्यों नहीं इस पे अडानी पे जो है काम कर रही है, क्यों नहीं उसे गिरफ्तार कर रही है, क्यों उसकी संपत्तियां जो हैं, उसका जो कैश है वो जब्त नहीं किया जा रहा है, क्यों वो काम कर रहा है? क्योंकि जब तक आप उस पे जांच नहीं करोगे तो जनता को दूध का दूध पानी का पानी दिखाई नहीं देगा। जबकि लोगों को ये पता चल गया कि हम ठगे जा चुके थे, तो उन्होंने इसी वजह से इसका जो शेयर है वो लगातार 50% तक गिर चुका है और आगे भी गिरावट जारी है। तो 2 साल में जो इन्होंने इतनी तगड़ी सलांग लगाई थी कि एकदम जो है अमीरों की सूची में
तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे और एशिया में पहले नंबर पे पहुंच गए थे जब कोरोना काल चल रहा था, लोगों की संपत्तियां घट रही थी, अडानी जी की बढ़ रही थी। तो ये देश को बेचा है मोदी जी ने और अडानी और अंबानी ने इसे खरीदा है, अभी तो दूसरा भाई भी खुलेगा। तो इसलिए जो है उसको लिए हम आज देश को बचाने के लिए यहाँ पे बैठे। अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, अभी तक ये LIC के इनके जो है वो आए थे तो हमने उन्हें बताया कि हम तो आपको बचाने के लिए बैठे हैं। और देश का जो मीडिया है वो इसे प्रधानमंत्री कानों तक इस बात को बचाए कि पूरे देश में आज LIC और स्टेट बैंक के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ के सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो देश के